हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग. आई एम वैभव शर्मा. आई एम पार्ट ऑफ इम्पैक्ट एक्सपर्ट्स वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. दोस्तों, सबसे पहले थैंक यू आप सब लोगों को. आपने हमारे वीडियो सारे इतने सारे पसंद किए हैं और हम भी हमेशा आपके लिए कुछ नए और अच्छे वीडियोस लेके आते रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपके बिजनेस में भी, आपके ट्रेड में भी, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को लेके खास हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं आपके लिए. क्योंकि हमारा जो पूरा फोकस है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो फोकस है, वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए है. तो उसमें हम आपको पूरा ट्राई करते हैं कि नई नई चीज़ें ला के दें जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो, जिससे आपका एक्सपोर्ट बढ़े, इम्पोर्ट भी बढ़े. और वो वीडियो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किए हैं, उस पर काफ़ी सारे कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं. और मैं आपको आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, 99.9% लोगों को नहीं पता है ये गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है. ये गवर्नमेंट एक बेनिफिट देती है, बट ये कैटेगरी के जिनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए, उनके उस कैटेगरी के 99.9% लोग इस बेनिफिट को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको वो नॉलेज या वो अवेयरनेस नहीं है. ये कौन सा बेनिफिट है दोस्तों? जैसे प्रोडक्ट कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट होते हैं, ऐसे सर्विसेज भी एक्सपोर्ट होती है. तो ये आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्विसेज का एक्सपोर्ट कैसे होता है और उसके लिए क्या क्या पॉइंट है जिस पे अपने को गवर्नमेंट बेनिफिट देती है. तो सर्विस, कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं जिस पे एक्सपोर्ट पे अपने को बेनिफिट मिलते हैं, और जो एक्सपोर्ट होती है, जितने भी फ्रीलांसर्स हैं जो आज काम करते हैं, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने बाहर का कोई काम लिया हुआ है, किसी का सोशल मीडिया का, डिजिटल मार्केटिंग का, आप फ्रीलांसर हैं, तो ऐसे जितने भी काम होते हैं, आप फ्रीलांसर में काम कर रहे हैं, आप ब्लॉगर हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आप KPO BPO हैं, उसमें वो आप जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, इस टाइप की सारी चीज़ें A to Z, ये टाइप की सारी सर्विसेज इस कैटेगरी में आती है और आपके लिए सर्विस एक्सपोर्ट का पूरा सिस्टम एप्लीकेबल होता है. अब ये कैसे काम करता है दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि पहले तो अगर आपकी जो सर्विसेज हैं वो बाहर रेंडर हो रही है और उसका जो पेमेंट है आपको वो डॉलर्स में रिसीव हो रहा है, तो ही वो एक्सपोर्ट माना जाएगा. अगर आपने सर्विस किसी को रेंडर की किसी भी कंट्री में आउट ऑफ इंडिया, कोई भी सर्विस, और उसका जो पेमेंट है, उसकी जो इन्वॉइसिंग है, वो इन्वॉइसिंग डॉलर्स में हो रही है, फॉरेन करेंसी में हो रही है, तो वो आपका सर्विस एक्सपोर्ट माना जाएगा. अब सवाल ये कि इसकी लिमिट क्या है, किस लिमिट पे आपको एक्सपोर्ट के बेनिफिट मिलेंगे और वो एक्सपोर्ट काउंट होगा. दोस्तों, $15,000 से ज़्यादा का अगर आपका एक्सपोर्ट है तो उस पर आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा. 3% का बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट होता है. आप कहोगे 3% तो ज़्यादा नहीं है? बहुत ज़्यादा है. जानते हैं क्यों? ये जो 3% का बेनिफिट है, ये प्रॉफिट पे नहीं है, ये आपकी जो ग्रॉस टर्नओवर है, जो बिलिंग है, उस पर है. तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ का कुछ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किया, 1 करोड़ का सर्विस का बिल बना आपका, जिसमें से 50 लाख का आपका खर्चा हो गया, तो नेट प्रॉफिट तो आपका 50% आएगा, 50 लाख, बट आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो 1 करोड़ पे मिलेगा. तो इसलिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट माना जाता है और जो आपको मिलता है सर्विसेज पे. लेकिन 99.9% लोग ये क्लेम ही नहीं करते, उनको ये पता ही नहीं है. अगर 1 करोड़ की सर्विस आपने रेंडर की, तो 1 करोड़ का 3% यानी 3 लाख रुपये आपको मिलता है. 3 लाख रुपीज, और 50 लाख का अगर आपका प्रॉफिट है, 50 लाख के आपके खर्चे लग गए, 50 का आपका प्रॉफिट है, तो 50 का प्रॉफिट और 3 लाख का आपका इंसेंटिव, विच इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, 6% हो गया सीधा. तो ये बेनिफिट आपको मिलता है. अब इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपके पास IEC होना चाहिए. अच्छा, एक चीज और, प्रोसेस विल बी सेम. जो हम लोग प्रोसेस पूरा सिखाते हैं अपने प्रोग्राम्स में भी, अपने सेटअप वाले प्रोग्राम्स में भी, सिस्टम विल बी सेम. आपको IEC लेना पड़ेगा. IEC बोले तो इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स कोड, यानी जिसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस भी बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए कंपलसरी. नहीं है तो आप हमारी हेल्प डेस्क पे कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा. उसके बाद आपको एक RCMC लेना पड़ेगा. RCMC आप ले सकते हो FIO से भी ले सकते हो. RCMC आप चाहो तो सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी SEPC उससे भी ले सकते हो. वो RCMC लेने के बाद आपको जो भी आपकी बिलिंग होगी, उसकी जो इनवॉइस वगैरह होगी, वो आप और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कॉपी सबमिट करनी रहेगी, और ये सब सबमिशन आपको गवर्नमेंट के ऑफिस DGFT के पास करना पड़ेगा, और आपको उसके लिए रिफंड क्लेम करना पड़ेगा. इस तरह से आपको आपका रिफंड
प्रोसेस होता है जिसका टाइम 2 से 3 महीने में आपका पेमेंट आपको क्लियर हो जाता है। ये सारे बेनिफिट, इतने सारे लोग हैं जो इस कैटेगरी में काम करते हैं आज के टाइम में, इतने सारे फ्रीलांसर्स हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है दोस्तों कि ज़्यादातर जो कंसल्टेंट मार्केट में काम करते हैं उनको भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो क्लेम हो नहीं पाता है, क्योंकि जो यूज़र है, जो यूज़ कर रहा है उसको भी नहीं पता है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनके कंसल्टेंट हैं जिनके साथ में वो काम करते हैं उनको भी नहीं पता है, और ज़्यादातर CEOs को भी इस बारे में नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता है। तो ये सारे बेनिफिट आपको जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो बेनिफिट आपको मिलता है 3% का, ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। ये जो 3% का बेनिफिट है ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं मिलता है, इसका क्रेडिट आपको इश्यू होता है। वो जो क्रेडिट आपको इश्यू होगा, एक लेटर इश्यू होगा, उसके अगेंस्ट आप कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी की पेमेंट कर सकते हो, उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका कोई इंपोर्ट ड्यूटी का ऑब्लिगेशन नहीं है, डोंट वरी, ये ओपन मार्केट में भी आप सेल कर सकते हो। तो थोड़ा सा 2-3% के डिस्काउंट पे, यानी 1 लाख का अगर आपका क्रेडिट मिला हुआ है तो आपको 97,000 रुपीज़ उसका मिल जाएगा। तो मार्केट में बहुत सारे इंपोर्टर हैं जिनको ये सब चाहिए होता है, वो आपसे ओपन मार्केट में खरीद लेते हैं, उसमें आपकी कोई भी कंसल्टेंट हेल्प कर सकता है, हम लोग भी हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने ये सारी सर्विसेज का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, और जो आपको एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे सकता है जो अभी तक आपको नहीं पता था। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो हमारे हेल्प डेस्क पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमें मिलने आ सकते हैं ऑफिस पे। हम लोग बहुत टाइम से, करीब 38 ईयर से यही लाइन में है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की लाइन में ही है। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को बढ़ाने के लिए। एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा उतना अपने देश के लिए भी बेनिफिट की बात है, आपके लिए भी अच्छा है, तो सबके लिए विन विन है। तो कहीं पे भी आपको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई बेनिफिट चाहिए, आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, हमारे नेटवर्क में आके जुड़िए, और आपको लाइफ टाइम उसमें हम लोग सपोर्ट देते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिलने वाली है जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग बहुत रिसर्च करके ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कुछ और अच्छा टॉपिक लेके आता हूँ, तब के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड बाय।